ये वाला जोक हमने एक बार पहले भी किया था ना, जो अभी ब्रे वायट के साथ चल रहा है कि ओह माय गॉड, WWE ने ब्रे वायट को रिलीज किया है, द फीन्ड को नहीं। मेरे को याद नहीं आ रहा किसके साथ किया था हमने, कोई तो था। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन, एंड आज हम बात करने वाले हैं फिन बैलर के बारे में। वाओ, बट उसके पहले जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। ट्विटर पे जॉन सीना सडनली ट्रेंड हो रहे थे, एंड शॉकिंग की बात नहीं थी, बिकॉज आए दिन जॉन सीना ट्रेंड होते रहते हैं सोशल मीडिया पे। बट आज का रीजन मेरे को देखना था क्या था, और वो पता चला सुसाइड स्क्वाड की वजह से। एंड सुसाइड स्क्वाड में जब मैंने उनका सीन देखा, तब मुझे पता चल गया व्हाई जॉन सीना सेज यू कांट सी मी, और मे बी ही शुड से यू डोंट वॉन्ट टू सी मी लाइक दिस। ये होती है दिक्कत प्रोफेशनल रेसलर के साथ। आप चाहे किसी भी मिशन में चले जाओ, आप अपना अटायर नहीं भूलोगे। और ये तो जॉन सीना यार, ये तो प्रोफेशनल रेसलिंग में कैपरी पहनते थे। खैर, बात करते हैं फिन बैलर की, जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में पता है क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि डीमन का एक फ्यूचर है, इस समय मैं फोकस्ड हूं प्रिंस पर और जो उस कैरेक्टर के अंदर इन्वेंशन है उस पर, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। बट आई एम श्योर कि फ्यूचर में द फिन बैलर डीमन इज कमिंग बैक। बेसिकली टीज कर दिया फिन बैलर ने। और मेरे को ये लगता है फिन बैलर वांट्स हिज डीमन कैरेक्टर जब ब्रे वायट द फीन्ड आएंगे। एंड रिमेम्बर, द फीन्ड रिलीज नहीं हुए नहीं मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी ना। सी, इन सब चीज की शुरुआत कब हुई थी, जब बैलर एंड वाइट की राइवलरी शुरू हुई थी। एंड गेस व्हाट, उसके बाद से सब कुछ हो गया, लेकिन कभी भी फीन्ड वर्सेस डीमन की राइवलरी नहीं देखने को मिली, जो कि हमें चाहिए थी, है ना। एक बार को तो वो येलो वाला फिन बैलर का डीमन भी आया था ना, जो कि काफी वियर्ड था, काफी इंटरेस्टिंग होता इनकी राइवलरी देखना। बट हाँ, लोग तुरंत के तुरंत हमें फेस पेंट वर्सेस मास्क या फेस पेंट वर्सेस फेस पेंट पे करने लग जाते कि हाँ भैया, फिन बैलर का डीमन वर्सेस ओ जेफ हार्डी का विलो या फिर द फीन्ड। अरे जरूरी थोड़ी है यार, NXT में कितने थे मास्क वाले, फिर भी तो डीमन बन के आ रहे थे ना। तो मेरे को तो लगता है जैसे कोई रॉयल रंबल का ऐसा कुछ टाइम होता है जिसमें जीतने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसमें डीमन बन के आ सकते हैं ना। अगर मेरे पास ऐसी पावर होती तो मैं तो तुरंत बन जाता कि हाँ भैया, एक अनडिफीटेड कैरेक्टर जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो बनो। पर बैलर को कौन समझाए, मतलब बैलर से ज्यादा बेचारा बंदा कोई देखा है? बैलर इज द गाय जिसने अभी अभी स्मैकडाउन में इतना तगड़ा रिटर्न किया, और उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को लगता था मैं डिप्रेशन में हूँ, फिर मुझे पता चला नहीं, मुझसे भी बुरा किसी के साथ हो रहा है, और वो है फिन बैलर। जिस तरह से अपॉर्चुनिटी गई है ना फिन बैलर के हाथ से, भगवान ना करे किसी के साथ इतना बुरा हो। एनीवेज, विद लव ने लिखा है कि सच सच बताना, तुम चुप चुप के AEW देखते हो ना? यार देखो, मैं चुप चुप के कुछ भी नहीं देखता और जब जब मैंने AEW देखी है, मैंने बताया है, और कल मैंने क्लिप देखी थी वो केनी ओमेगा और जो उनकी बाकी पलटन है, बास्केटबॉल कोर्ट में थे शायद वो। एंड उस टाइम पर मेरे को ना एक अट्रैक्शन सा हुआ कि यार ये फैक्शन है तो कूल, बट हाँ, मैं और देखना चाहूंगा और एक्सप्लोर करना चाहूंगा बिफोर आई कम टू कंक्लूजन। बट ये बता देता हूँ यार, ऐसे मत बोलो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया, पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेस को इसने RKO